मैं मारिया वास्ती हूँ और अ, मेरा शोबिस से ताल्लुक टेलीविज़न फिल्म ड्रामा रेडियो स्टेज इन सब से मेरा ताल्लुक जो है वो ट्वेंटी ईयर्स का है इस अ, लंबे अरसे में इस सफ़र में मुझे बहुत से ऐसे किरदार निभाने का मौका मिला इतफाक़ हुआ जो ज़िंदगी के बहुत करीब थे आप उन किरदारों की उन लोगों की ज़िंदगी को जी रहे होते हैं जिस जस्टिस या इनजस्टिस से वो गुजरते हैं उसको आप महसूस करते हैं तभी आप उसको स्क्रीन पर ट्रांसलेट करते हैं और जब ये सही से ट्रांसलेट होता है दैट इज द टाइम वेन योर ऑडियंस रियली रिलेट्स टू यू वो आपके साथ हंसती है वो आपके साथ रोती है दे फील वॉट यूर फीलिंग वेन यू गो थ्रू दीज इमोशन इट देट लीव यू जस्ट बिकॉज डॉन अ प्ले और वो ऑन एर हो गया है और Uh, वो खत्म हो गया इट लीव समथिंग कुछ कुछ छोड़ जाता है आपके अंदर दैट इमोशन दैट पेन और दैट सफरिंग और दैट हैप्पीनेस दैट यू हैव फेल्ट थ्रू दैट कैरेक्टर बहुत से कॉजेज हैं जिनके लिए दिल दुखता है और आप उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं और उठानी चाहिए लेकिन जो कॉज मुझे लगता है मेरे बहुत दिल के करीब है वो है ख़ीन और बच्चों के साथ या वो आपके सोसाइटी के हिस्से जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनके साथ जो नासाफियाँ हमारी सोसाइटी में होती हैं वैन यू टॉक अबाउट वमेन एंड चिल्ड्रेन इन आर सोसाइटी एंड जेंडर बेस्ड आपका जो वायलेंस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वो राइट्स जो आपको नहीं मिलते चाहे वो हेल्थ के हों वेल्थ के हों इनहेरिटेंस यानी कि उसके हों राइट टू एजुकेशन हो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने क्या डिसीजन लेना है और वो राइट्स आपको नहीं मिलते आपसे छीन लिए जाते हैं वी डोंट नो आर ओन राइट्स बिकॉज वी के नॉट क्वेश्चन जब आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा इंसान के तौर पर यू शुड बी रिस्पेक्टेड एज अमन बींग एज एन एंटिटी वेदर यूर अ चाइल्ड यूर अ वूमन और अ मैन वो वो बहुत ज़रूरी है सो आई फील दैट दिस एक्टिविस्ट दैट इज़ इन एवरी वन उसको हमें निकालना है उभारना है एंड दैट इज़ ऑल्सो मिशन एंड उस लेवल तक लाना है कि हम अपने आप को ह्यूमन कह सकें इंसान कहने के काबिल हो जाए ऐसी सोसाइटी हमें बनानी है उसमें टाइम लगेगा बट यू नो ईच स्टेप काउंस